मेरी जगह कोई और टॉकेटिव लड़की होती ना तो यहाँ खड़े खड़े बातें किए जा रही होती, लेकिन मैं तो स्ट्रॉन्ग साइलेंट टाइप की लड़की हूँ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलती, मेरा काम बोलता है काम। और आज तो मैं नान खटाई इसको ऐसा बेक करूंगी कि सिनेमा चाचा खुद बोलेंगे कि मैं अपनी बेकरी तेरे नाम करता हूँ रोशनी। बीजी का कहना है कि नरगिसी कलियां सिर्फ आयाना के छूने पर ही खिल सकती हैं। लेकिन अगर अदा आयाना नहीं है तो फिर वो कलियां खिली कैसे? आदि क्या आप श्योर हैं कि नरगिसी कलियां अदा के छूने से ही खिली थी? मेरा मतलब है आपने अपनी आंखों से देखा अदा को वो कलियां छूते हुए? अम्मी कलियां खिल गई। नहीं, देखा तो नहीं था। जब हमने देखा तो कलियां खिल चुकी थी और अदा उनके पास खड़ी थी। मतलब असली आयाना कोई और है, और उस दिन उस वक्त वो भी इस घर में थी। लेकिन उस दिन तो इस घर में बहुत सारे लोग थे, कैसे पता चलेगा कि किसके छूने पर वो कलियां खिली? उस दिन घर में कौन कौन आया था मैं याद करती हूँ। हाँ। कुछ याद आया? हाँ। तो भूल जाती है। मैं कुछ याद कर रही थी। टाइम वेस्ट मत कर, वो जो भी थी एक दिन पहले भी आई थी, उसी की वजह से जिनका मुकाबला करते वक्त तेरी पावर्स एकदम से बढ़ गई थी और हम जिन को कैद कर पाए। पर ये आयाना हो कौन सकती है दादी? छोटू, आप क्या कर रहे थे वहाँ, क्यों चल रहे हो? चाचू आप जिन हो ना? छोटू, ये हमारा फैमिली सीक्रेट है ना? पर मुझे भी जिन बना दीजिए, मुझे अपनी मैच बुक मैच टीचर को दोनों को गायब करना है। छोटू, ये मैजिक और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मुझे आता है। नहीं, उस दिन वो लड़की भी मैजिक कर ली थी, उसके टच करते ही फ्लावर खेल गए थे। कौन? इससे पहले मैं आपको ये फोन दूं, मेरे कुछ डिमांड्स हैं। और वो क्या है? 2 वीक्स तक मेरा होमवर्क आप लोग करेंगे। टीवी का रिमोट मेरे पास होगा और मैं जितनी भी चॉकलेट खाऊं मुझे कोई मना नहीं करेगा। ठीक है, लाओ। शर्त मंजूर है? हाँ मंजूर है। वीडियो में जाके प्ले करो। बाबा
परवरदिगार, मैंने तुझे कितने बार कहा कि तू बेक नहीं करेगी, सारी की सारी नान खटाइयां जला दी। जलाई? नहीं चाचा, ये तो बिटर नान खटाई है, जैसे बिटर चॉकलेट होती है। कितनी अच्छी 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 बहाने बनाती है ना तू। पिछली बार कह रही थी कि मेरी ब्यूटी को देखकर सारी नान खटाइयां जल गई, और अभी तो वो क्या कह रही है, बेहतर नान खटाइयां बनाई है। बेहतर नहीं चाचा, बिटर। खामोश। देखिए ऐसे मत चिल्लाइए, क्योंकि अगर गुस्से वाले अंकल एक क्यूट सी लड़की पे बिना मतलब चिल्लाते हैं तो क्या होता है? तो लड़की रोने लग जाती है। और प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं मानती हूँ पूरे 385 रुपीस और 25 पैसे का नुकसान हो गया, बट दोबारा नहीं होगा, मेरे को इस नौकरी की बहुत जरूरत है, प्लीज मत निकालिए। मैं अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ बेटा, अगर तू हिसाब किताब की पक्की ना होती ना, तो मैंने तुझे कब से नौकरी से निकाल दिया होता। चल तू एक काम कर, अब चल, अरे सामान डिलीवरी करके आते हैं, दूसरा चला जा। जी। योग मैजिक इतनी जलेश हो गए, मैं सबको बता दूंगा आप जिन हो। कौन है ये लड़की? अमन? अमन तो जानता है कैसे? मुझे लगता है कि मैंने भी इसे कहीं देखा है। सच में ये लड़की आयाना नहीं हो सकती। बाजीगर शट अप। बेटा आज के बाद तू कोई भी चीज ना बेक नहीं करेगी, तू ना हमेशा सारी नान खटाइयां जला देती है। और एक काम कर, तू फटाफट से ना डिलीवरी कर करा, और एड्रेस भी लिखा है इस पर। अरे भाई साहब, एक दिन ये लड़की आपकी पूरी दुकान जला कर रख देगी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपने इसे अभी तक नौकरी पे क्यों रखा हुआ है। क्योंकि इससे पहले मेरी बेकरी नुकसान में चल रही थी, अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन इस लड़की की एक नजर ने ना सारा अकाउंट ठीक कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। ये जो लड़की है ना, लड़की नहीं है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर। अरे कॉल कर। क्या अमन रोशनी को कॉल करेगा? वैसे तो मैं अपना नंबर किसी को देती नहीं हूँ, आप कॉन्फिडेंशियल है, आपको दे रहे हो, लीक नहीं होना चाहिए। अरे क्या कर रहा है अमन, कॉल कर। आप कौन? एक मिनट, तू कॉल करके कहेगा क्या किस बहाने से उसे घर बुलाएगा? बटन, पिछली बार वो कुछ बटन लेने आई, नहीं पिन, पिन लेने आई, क्लिप्स लेने आई थी दादी, वो क्लिप्स लेने आई थी पिछली बार। मैं कहूंगा कि उसके क्लिप्स मिल गए। अरे ये बाजीगर यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि मैं एक लड़की को फोन कर रहा हूँ, और बाजीगर को लड़कियों में, खासकर इस लड़की में बहुत दिलचस्पी है। तो फोन का ही भूल जाते। हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, सुनिए, अगर आपने होम लोन के लिए फोन किया तो मैं आपको बता दूं कि हमें होम लोन तो चाहिए, लेकिन लौटाने के लिए हमारे पास पैसे हैं। और अगर आपने हमारा पेंडिंग बिल याद दिलाने के लिए फोन किया तो मैं आपको बता दूं कि मिडिल क्लास लड़कियों की बेइज्जती करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। और अगर आप कोई रोड साइड रोमियो तो मैं आपको बता दूं मुझे ऐसे वाहियात प्राणी बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे ना 3 गालियां भी आती है। हेलो तो बोल। हेलो, हेलो। अरे नमस्ते, तो खान बाबू के पास है, मेरे क्लिप्स मिल गए। दादी ये लड़की आयाना नहीं हो सकती, ये तो बहुत बोलती है। अरे तो कौन सी किताब में लिखा है कि आयाना घुंघी होती है? बात कर डोंकी फ्रॉम समवेयर। हेलो, आपकी क्लिप मिल गई है, प्लीज घर आके ले जाइए। अल्लाह नोज बेस्ट,
मेरे पास ना आने जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को अपनी अम्मी की साड़ी रफू कराने जाना है, दो बिल्लों की दवाई लेने जाना है और एक बच्चे का बर्थडे भी है जिसमें मुझे 300 गुब्बारे फुलाने। आपकी क्लिप्स मिल गई है, प्लीज घर आकर ले जाइए। अरे पर मेरा फोन काट दिया। बड़े घर में रहने वाले क्यूट आंखों वाले क्लिप चोर लड़के ना बड़े बदतमीज होते हैं। से बात करते हैं क्या आयाना से? अरे ये कैसे बात करती है? सुन, जब वो आए ना तो उससे प्यार से बात करना, नाराज मत कर देना। अरे अपनी बातों से तो सीधी साधी भोली भाली सो क्यूट टाइप्स लड़की लग रही थी। अरे सुन, जब वो घर में आए ना उससे फौरन कलियां टच करवा लेना। हाँ, तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहे हैं? जाकर नहा, कपड़े बदल और परफ्यूम लगाना मत भूलना। क्यों? अरे क्योंकि आयाना घर आ रही है। देख बाजीगर भी डांस कर रहा है। क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। हाँ बेटा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। लाइए। क्या? मेरे क्लिप्स। और क्या? वो क्लिप्स तो मिले ही नहीं। तो आप ये बात मुझे फोन पे नहीं बता सकते थे? हाँ मैं हम बता सकते थे, लेकिन क्लिप्स मिले थे, मिलने के बाद वापस खो गए। मैंने आपको बताया था ना मुझे एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में 300 गुब्बारे फैलाने जाना था। मैं इतना जरूरी काम छोड़ के आपके पास अपनी क्लिप्स लेने आई हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरे क्लिप्स फिर से घूम गए। पहले तो आपने अपनी खड़ी हुई गाड़ी से मेरी चलती हुई गाड़ी को टक्कर मार दी, उसके बाद मेरी क्लिप्स चुरा ली और अब यहाँ बुला के बातें करे जा रहे। देखिए आई नो यू आर वेरी टॉकेटिव, पर मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सीधा सीधा बताइए कि मेरे क्लिप्स कहाँ, नहीं तो मेरे डोले देखे आपने। ये तीनों कौन है? मेरी बहनें हैं, वो मेरा भाई। आप फालतू की बातें करी जा रही हैं, मुद्दे पे आइए। आप बताइए मेरे क्लिप्स का। सॉरी, आपके क्लिप्स नहीं मिले इसलिए मैं ये फूल देके आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। जब से आप मुझसे मिली है मैं आपका दीवाना बन गया हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मेरी ऑलरेडी सगाई हो चुकी है। अब रिंग देखिए। आपसे शादी करने के लिए किसने कहा? हाय रब्बा चौपाई। बेटा ले लो। क्या? टोकरी। देखो अगर कोई माफी मांगता है ना तो इनकार नहीं करना चाहिए। ले लो। हमारी है, आप फूल ले लीजिए। थैंक यू।
है नहीं, इनकी तो पूरी फैमिली अजीब है। थैंक यू फ्रॉम समवेयर। अरे कलियों को पत्तों में रखने के लिए किसने कहा था? हाँ। अगर वो छुएगी नहीं कलियों को तो कलियां खिलेंगी कैसे? दादी ये लड़की आपको आना लग रही है? चुका है, उससे बात भी कर चुका है, फिर भी तुझे कभी फील नहीं हुआ कि वो ही आया ना है? अम्मी, एक सेकंड। तुझे कुछ तो फील हुआ होगा? एग्जैक्टली। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।